जालौन में जल्लाद पति की हैवानियत आई सामने। दहेज को लेकर पत्नी की बेरहमी से की पिटाई। हैवान पति ने पत्नी को लोहे के तारों से पीटा। गंभीर रूप से घायल हुई महिला को जिला अस्पताल उरई में कराया गया भर्ती। गंभीर घायल महिला पीआरडी सिपाही की है बेटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। उरई कोतवाली क्षेत्र के अमरार खेड़ा का है मामला। आपका विपिन नाम है। विपिन कहाँ से आए हो, जिला अस्पताल आए हो, क्या है पूरा मामला? मुझे मुरार खेड़ा में दीदी ससुराल रहेगी, उनके ससुराल वालों ने आए थे, उनको टॉर्चर करते रहते हैं, तो उनको आज ज़्यादा मार दिया हैगा उनको। अच्छा। हाँ, तो आरोप समाधान तो उनके खाला निकल आई है जी, तीन साल उनकी शादी हो गई थी। अच्छा। उन्होंने फोन लगाया हम पर, सूचना दी तो हम लोग आए थे। हमारे ऊपर जी हैं पीआईडी में, जिनके पापा मतलब दीदी के, उन्होंने हमें बताया था। तो किस वजह को लेके आए दिन मारा करते थे ये लोग? जी आए दिन पैसों को लेकर मारते थे। अच्छा। हाँ, मांग करते थे पैसे, हर बार पैसों की मांग करते थे ये। एक दो बार मांगा तो पापा माँ फूका यानी हमारे फूका लोगों ने दिया है उनको, फिर मांगने लगे पैसे देंगे तो मना कर दिया जाएगा, तो मारा इन लोगों ने, तारों से मारा है, पूरी खाल उतनी पड़ी इधर की चेहरे की सफाई की। आपका जिला अस्पताल आए हो, क्या है पूरा मामला? लड़की का मामला था सर। अच्छा, क्या मामला था? लड़की की ससुराल वालों ने पीटा। अच्छा, किस वजह से मारा है? जे दहेज की मांग कर रही थी। अच्छा। मैंने देने के लिए इनकार कर दिया। अच्छा। मैंने कहा मेरे पास नहीं, मैं पीआईडी में सर्विस करता हूँ, 1500 रुपये दे देता हूँ, मैं कहाँ से दे दूँ? अच्छा। मेरे पास खेती बाड़ी तो है ही नहीं, तो हमें गैस को दे दूँ, इसलिए मैंने जो है 2 दिन से टॉर्चर रखा है। अच्छा, तो लड़की की स्थिति क्या है? लड़की की स्थिति बहुत ज़्यादा है, तारों से मारा है और उसकी खाल सुंदर निकल गई है। अच्छा, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी अभी? पुलिस ने कार्रवाई की है जो है, लड़की को पकड़ के ले आई है पुलिस। महिला के उत्पीड़न की सूचना आ रही है, काफ़ी करके घायल है, उसमें पुलिस ने क्या करा है? ये थाना कोतवाली की आज की घटना है, जिसमें पति द्वारा एक पत्नी का उत्पीड़न किया गया था। पत्नी थाने पर आई थी, जो तहरीर प्राप्त हुई सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो अभियुक्त है पति उसको गिरफ्तार किया गया, आगे जो विधिक कार्रवाई वो अमल में लाई जाए।